सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुः पदम् मंत्रमूलं गुरुः वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम् ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहायो महामाया प्रयक्षति। दुर्गे स्मृता हरषि भीतमशेष जन्तो स्वस्तै स्मृता मतमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहा ऋणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्तः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थो परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्य रूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते वस्त्रायि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तुमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हि श्रेतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनम् त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरण ममो श्री कृष्ण शरण ममो श्री कृष्ण शरण ममो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। परात्पर परमेश्वर जगदाधार अखंड दिगोचर भगवान श्री कृष्ण की मथुरा की लीला
समाप्त करके भगवान ने कहा, हे भैया मथुरा जिनकी थी उनको सौंप दी हम लोगों ने, माता पिता को मिले उनको बंधन से दूर कर दिया। वसुदेव और देवकी ने कहा, हे परात्पर परमेश्वर विराट स्वरूप जगदाधार श्री कृष्ण, आपने दुष्टों का तो संहार कर दिया, मथुरा जो बहुत ही उनसे दुखी थी उसको सुखी बना दिया, हम लोगों को बंधन से मुक्त कर दिया, लेकिन हम आपकी लीलाओं में हम आपको विराट स्वरूप न मानते हुए हम आपको अपना पुत्र ही मान रहे हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, देव की वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज अशिक्षण महा मां अशिक्षण महात्मानो रामकृष्ण महाबलौ स्तौ मधुपुरे रम्मे प्रीडयंती स्वबंधना। हे प्रभु आपने अपनी कीड़ा से आपने अपने स्पर्श से आपने अपनी वाणी से आपने अपनी बहनों से जो ब्रज का उद्धार किया है, तो मैंने तो भगवान ने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप दोनों ने बहुत तप किया और इसलिए मैं आपके बालक रूप में पैदा हुआ, तो आपके जीवन के जो बंधन थे उन बंधनों को आपने निवृत्त कर लिया है, अब आप मोक्ष जो चाहते हो कि जीवन में संसार के बंधन से दूर चला जाऊं, मैं संसार में मोह का सबसे बड़ा बंधन है और आपको मालूम होना चाहिए मोह का बंधन मृत्यु के समय आता है, मृत्यु सबसे बड़ी परीक्षा है, जन्म परीक्षा नहीं है। जन्म जब लेता है तो कहता कहां प्रभु कहां भेज रहे हैं आप मुझे कहां भेज रहे हैं, क्या कहता बच्चा कहता बोलो आप क्या कहता है, उसकी अगर लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान को समझते हो तो बात है कि बालक पैदा होते जब उसकी लार आर सब निकल जाती है तो कैसे रोता है कहां कहां, बोलो आप इसके अलावा कुछ है उसको। और गाय का बछड़ा जब रोता है तो कहता माँ माँ, वो माँ कहता है, तो कितना अंतर आ गया। चिड़ियाए के बच्चे अलग बोलते हैं तो अलग ही तरह की धुन होती है। सभी संसार में जो योनियां हैं वो भगवान किसे अलग है ही नहीं, भगवान का भजन करती हैं। तो वसुदेव देवकी के प्रश्न को भगवान कहते हैं, हे माता हे मेरे पिता, इस द्वापर के निमित्त मात्र हो तो निमित्त मात्रम भव भव्य साचिन। हमारे मन में ये विकल्प हुआ कि अमेरिका तो आ गए हैं, घर घर में हम सुंदरकांड करते थे हनुमान चालीसा करते थे, कहीं कोई स्थान नहीं था, इतने मंदिर नहीं थे, ये हम घटना बता रहे हैं आपको 72-73-74 की 75-76 की, क्यों गधूरे साहब तो पुराने हैं। तो अब ये दिमाग में जब आया क्यों ना यहाँ पर हम सनातन धर्म के मंदिर को स्थापित की, किसी को तो आया भगवान ने प्रेरणा की, आज हिंदू सेंटर बन गया, यहाँ बैठ करके आप देवी भागवत सुन रहे हो, अगर नहीं होता तो सुनते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते माता आप लोग नहीं होते तो हम ये लीला करते क्या, ये उन्हीं पे कह रहे। तो बोले प्रभु आपने लीला इतनी की तो हम तो आपसे अलग जा ही नहीं रहे, हम मैं आप में ही मोहित हैं
और आप कह रहे हैं कि हम मथुरा छोड़ करके अभी जाएंगे, हमको कुछ और करना है, तो हम कैसे आपको जाने दें? हमारा जो मोह है आपके प्रति वो बहुत दृढ़ है, उस मोह से कैसे निपटारा हो? तो भगवान ने कहा, मेरी माता श्री, आपने मुझे पुत्र स्वीकार किया है, पिताश्री आपने मुझे पुत्र स्वीकार किया है, ये मोह का बंधन तो आपके जीवन में नव योगेश्वर गुरु साधु संत आकर के ही दूर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये भगवान देवी भागवत में कह रहे हैं, साक्षात हृदय में बैठ करके तो आपको गुरुओं का आदेश सुनना होगा, उनकी वचन को मानना होगा, तो आपका जो मोह है वो त्रोहित हो जाएगा। ये मोह बहुत आपको लगता है साधारण मोह, प्रेम नहीं है, मोह बहुत बड़ा मकर जाल है, भयंकर है, भयंकर। और ये सबसे अधिक मृत्यु के समय आता है। इसलिए जो लोग ईश्वर का स्मरण करते हुए, गुरुओं की कथा वार्ता सुनते हुए, उनकी मृत्यु ऐसे सहज में हो जाती है, मोक्ष की तरह चली जाती है, वो बाल वत हो जाते हैं। इसलिए कहा है, संसार में बचपन भी आपका बाल वत है जब पैदा हुए, और मृत्यु भी बाल वत होना चाहिए। बिल्कुल, वहां पर कोई ये ना रहे कि अब तो मेरी इतनी प्रॉपर्टी है किसको जाएगी, फिर ये किसको जाएगी, गांव में क्या रखा उसको किसका जाएगा, ये आप नहीं सोचोगे, जबरदस्ती आपके दिमाग पर आ जाएगा। तो हे मेरे पिताश्री, हे मेरी माताश्री, नंद बाबा यशोदा तो रोते रोते जो कुछ भी हुआ उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन आपसे कह रहा हूं, आप महात्माओं का शरण, नव योगेश्वर उनकी शरण लीजिए और उनका उपदेश सुनिए, आपका निश्चय ही मोह भंग होगा और आपका मोक्ष हो जाएगा। अब भगवान ने आदेश दिया द्वारकापुरी के लिए, तो भगवान के तो इशारों पे चलता है सब कुछ, वहां पर महाराज आर्चिटेक्ट वो सब जो भी भगवान के बनाई हुई माया है। देखिए भगवान पैदा कहाँ हुए, यमुना किनारे ब्रज में, और जहां प्रेम की लीला कर रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं, द्वारका समुद्र के किनारे, वहां। और वहां पर वह कितना दूर, क्योंकि मैं जितना नजदीक आपके रहूंगा उतने ही तुम हमको तंग करते रहोगे, दूर जा रहा हूं और तुम भजन करो। देखो भगवान की लीला, ये भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं महाराज। इतना होकर के भगवान ने द्वारका का निर्माण कराने के लिए आदेश दिया। अब वहां पर आप देखिए एक दृश्य आता है श्रीमद् देवी भागवत में, सबसे तो वो विदा हो रहे हैं, राधा रानी को क्या कहें? राधा जानते हैं आप कौन है, परात्पार परमेश्वर सदा शिव है। तो बोले प्रभु मुझे तो अब वहां जाना है, आप वहां चलोगे नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। तो राधा रानी कह रहे हैं, तुम सारा अपना जाल अपने आप ही मेरे सामने रख रहे हो, हम जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, तो पहले प्लान बता रहे हो कि आप मत चलो, तो हम नहीं जा रहे हैं। जैसे आज भी संसार में कहते हैं ना लोग, किसी को बहाना करना हो तो इतना लंबा करेंगे कि नहीं ले जाना तो नहीं ले जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा, एक आपने भगवान का विग्रह का यहाँ एक लगा था जिसमें राधा कृष्ण दोनों ही, एक हाथ राधा का निकल रहा है और एक पैर उनका है भगवान का, एक था तो बहुत, तो दो शरीर होते हुए भी एक प्राण है। राधा ने कहा, अभी आपको और लीला करनी है, आप प्रसन्नता से जाओ, आराम से कह तो गई राधा, लेकिन राधा प्रेम तत्व में, अब देखिए यहां प्रेम
प्रेम तत्व राधा प्रकट कर रहे हैं। प्रेमः प्रेमस्वरूपम्, प्रेमत्वात् अनिर्वचनीयम्। चार चीजें, आप प्रेम स्वरूप हैं और प्रेम के अथाह सागर हैं, इसलिए आपसे कहीं अलग तो मैं हूं नहीं, लेकिन अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय जानते, कहीं ना अलग हो सकती हूं। जैसे शरीर से श्वास अलग हो सकती है आपके, बोलो, जब होती है तब क्या होता है आप जानते हो। राधा रानी इतना भगवान श्री कृष्ण को कहती तो हैं, अब राधा, लेकिन कृष्ण को वो दृश्य याद आता है जब नंदगांव से मथुरा आ रहे हैं और राधा रानी से, जो राधा रानी जब रथ पे अक्रूर के बैठ तो गए, चलने लगे, तो राधा रानी उनके सामने नहीं आए। ये प्रेम है, प्रेम प्रेमी के प्रेमास्पद के उत्थान के लिए अपनी बहुत कुर्बानी कर देता है, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम कुछ चाहता नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनल, वो कंडीशन नहीं लगाता है। इसलिए राधा रानी भगवान को देखना भी चाहती हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहती कि भगवान का कहीं आगे लीला रुक ना जाए, वो उनकी प्रेमास्पद है, फिर भगवान के प्रेमास्पद है। राधा रानी कदम के पेड़ की ओट में, पेड़ की ओट जानते ना, मोटा उसका तना हो जाता है, उसमें छिप जाती हैं, लेकिन परात पर परमेश्वर से क्या छिपा हुआ है। अक्रूर जी से कहा थोड़ा रथ रोको, बोले हम जानते हैं क्यों आप रुकवा रहे हैं, बोले आप जानते तो रोको। भगवान उतरते हैं और राधा के सामने वहां पहुंच करके, अब दोनों के आंखों का जो चित्रण है देवी भागवत में, तस्याम तब बुद्धिमाज्ञाय, बुद्धि वहां विलीन हो गई, अहंकार अपने आप विलीन हो गया, मोह अपने आप नष्ट हो गया, जिसको आज के समय आप लोग त्राटक कहते हैं ना, त्राटक जानते ना, सुना तो हो गई, एक टक हो करके देखना, चाहे उंगली देखो आप, लोग दीप देखते हैं, कोई चंद्रमा देखता है, कोई सूर्य, और त्राटक देखते देखते आंख जब खुली रहती है, जितना अभ्यास हो जाता उतना ही उसकी दृष्टि में बहुत बड़ी एनर्जी आ जाती है, और उसी आधार पर प्रभु राधा और कृष्ण का आंखों का मिलन होता है, और आंखों आंखों में ही राधा रानी उनको विदा कर देती हैं, और विदा करके ये है प्रेम, और प्रभु आगे चले जाते हैं। जाते हैं तो भगवान चले गए, चले जल वृंदावन विहारी लाल, अब भगवान, अब आप देखें, अब भगवान को विवाह करना है। भगवान की कितनी रानियां थी, आठ तो थी, आठ बट रानियां, सात ऋचाएं और एक रुक्मणी, लेकिन रुक्मणी इतना तपस्या कर रही है और उसका भाई महान दोस्त कौन था भाई, रुक्मणी क्यों नाम पड़ा, रुक्मांगद नाम के राजा की बेटी, और शिशुपाल किसका है, उनका भाई रुक्म, उसको शिशुपाल भी। भगवान श्री कृष्ण ने, अब वो कृष्ण को पसंद ही नहीं करता था, तो अपनी बुआ को एक वचन दे दिया था कि कितना भी ये अपराध करे, प्रभु आप इसके पर कृपा बात सल बनाए रखना, है तो बच्चा है। बोले बुआ एक लिमिट होती ना,
उस लिमिट के पार तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप जो कहो। तो वाणी में सरस्वती विराजमान हुई, कहा इसके 100 अपराध माफ कर देना। 100 बहुत होते, 100। अब तो महाराज रुक्मी के स्वयंवर की सब व्यवस्था हुई, भगवान को आमंत्रण नहीं दिया, दुनिया भर के राजा महाराजा सब वहां बड़े बड़े सब आ रहे हैं, भगवान का अपमान उसने किया और उसको वहां नहीं बुलाया। हमारा भगवान तो लीलाधारी है। अब रुक्मिणी सोची कि मैं जिनका वरण करना है, मुझे जिनको मुझे लेना है, वो ही यहां नहीं आ रहे तो क्या होगा। तो आप देखें, एक अपने दूत जो उनके साथ में ब्राह्मण थे, उनको कहा कृष्ण को मेरी पाती दे देना, तो वो लेकर के पहुंचा। तो बोले जाओ भैया, कह देना कि मैं आऊंगा और रुक्मिणी को ले जाऊंगा। बहुत से लोग यहाँ कहते हैं रुक्मिणी भगवान ने हरण किया था, तो हम हरण कर रहे हैं तो क्या करना है। ईश्वर से तुलना मत करो, ईश्वर की बड़ी भारी तुलना करने लगते लोग। भगवान तो नाग के ऊपर नाचे, तुम एक बिच्छू पर नाच के दिखाओ, बोलो। वो तो बोले अरे अच्छा मक्खन खाते थे, तुम जहर खा के दिखाओ जरा। तो ईश्वर से इतनी छोटी छोटी तुलना करते हैं। अरे महाराज लंदन का भेज जी, और वहां काफी हमारे हिंदुस्तानी रहते हैं, तो एक वहां हिंदू टेंपल वहां पर भी है, तो वहां हम ये उन्होंने कहा कृष्ण के ऊपर कुछ भी, तो 3 दिन का कृष्ण के चरित्र के ऊपर ही था, भागवत नहीं थी। तो एक महिला खड़ी हो गई, मैंने कहा क्यों भाई, क्या कहा, बोलो आपको प्रश्न। बोले कृष्ण की बात मत करो। बोले क्यों। बोले हमको विवाह करके पति लाया है और यहां उसने 8 और अपनी गर्लफ्रेंड रखी हैं, वो कहता है भगवान की तो बहुत पत्नियां हैं। तो मैंने कहा उस पति से कहो कि जरा तुम एक अपनी उंगली पर एक पत्थर रख के दिखा दे। उनकी तुलना हम बहुत बहुत लोग अपनी मति बुद्धि से करने लगते हैं। ऐसे महाराज अब तो दुर्योधन का मित्र था शिशुपाल, महाभारत भी संक्षेप में आ रहा अभी यहां, तो बहुत बोले भैया दुर्योधन तो बहुत खुश हो गया कि तुमने कृष्ण का अपमान किया, बहुत अच्छा किया। अब भगवान ने कहा उसी लीला में देखो, हम संक्षेप में ऊपर ले जाए क्योंकि समय तो इतना जल्दी भागता है, कि महाराज भगवान ने कहा किससे, कौन था दुर्योधन का बाप, क्या नाम था बता दो, धृतराष्ट्र, धृतम राष्ट्रम हराति, जो दुनिया का झूठ फरेब करके उसके धन को हरण कर ले और ऐसे निगल जाए जैसे कि 32 बार में ग्रास निगल जाता है, फिर डकार नहीं लेता है। बड़ी विचित्र समय संसार का कलयुग में ऐसा ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं महाराज, और वही उदाहरण अगर आदमी पहचान ले तो बहुत कुछ है। भगवान श्री कृष्ण के सामने भी वही बात होती है, तो वो धृतराष्ट्र के मंत्री कौन है, विदुर जी। तो विदुर जी को विदुर जी ने कहा देखिए मैं तो आपका मंत्री हूं, पांडव तो चले गए हैं, उनके पुत्र हैं, वो कुछ नहीं चाहते हैं, आपके 100 पुत्र हैं, तो सारा राज आप संभालो, सब कुछ करो, उनको एक गांव तो दे दो उनको रहने के लिए, 5 नहीं देते तो एक ही दे दो। तो विदुर जी से धृतराष्ट्र कहते हैं मैं जानता हूं
ये मेरे को ज्ञान है विदुर, लेकिन मेरे 100 पुत्रों का मैं मोह भी तो इतना प्रबल है, मैं उनके रहते हुए पांडव पुत्रों को चाहता हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, ये देखो। इसलिए उसका गीता में भी क्या देखो, कितना धृतराष्ट्र, आंखों से ही अंधे नहीं अंदर से भी अंधे हैं, दूसरे का हरण करने का जिनको बहुत वो रहता है, और अभी भी संसार में धृतराष्ट्र खत्म नहीं हुए। हम जहां न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सुखदेव बिहार में आप लोग देखे हो माता जी का पीठ आए हो, वहां सुबह जैसे कि यहां भी आते हैं हम जाते हैं घूमने, तो एक ग्रुप बन जाता है कि भाई आज कोई अच्छा सा वचन आप बोल दो, आधा पौन घंटा 1 घंटा घूमते थे, तो हम जरा 10-15 लोग होते थे, उनके बीच में कोई गीता का, कोई मंत्र का, दुर्गा सप्तशती का, कोई एक मंत्र की व्याख्या करते थे डेली। दो मित्र मालूम आपको, ये पाकिस्तान का जो बंटवारा, भारत का बंटवारा हुआ ना, बंटवारा जानते थे, बड़ा दर्दनाक बंटवारा हुआ, जो लोगों सुनता हूं मैं, हम तो बच्चे थे, जैसे भगवान न करे परिस्थितियां आए, अब लोगों ने बहुत कष्ट उठाए, बहुत कष्ट, पराकाष्ठा के कष्ट उठाए, आंसू आ जाते मेरे को जब उनकी बातें सुनता हूं तो महाराज। लेकिन वो जंग जंग है वहां, तो वहां के दोनों मित्र थे, यहाँ तो बहुत से लोग दिल्ली पहुंचे ऐसी ट्रेन से, कितना यात्रा करके, तो दिल्ली में एकदम आकर को कोई उनको व्यापार थोड़ा मिला, तो जो होता है जानते ना पल्लेदारी जो होती ना, पीठ पे बोरी रख करके चढ़ाना वो करना, तो दोनों मित्र ऐसे थे, करते थे, बड़े मुश्किल से रोटी मिलती थी, बच्चे पले, सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान कठिनाई के, जहां संघर्ष है वहीं उत्थान है, जितनी बॉल नीचे जाएगी उतनी ही, बोलो आप प्रीति, जितनी बॉल नीचे जाएगी उतनी ही, ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, इसकी बॉल अभी नीचे गई अब ऊपर जाएगी, तो आप कहोगे आ अवतार लगे, वाह मेरी बेटी ने कमाल कर दिया। तो नीचे जाना बहुत जरूरी है, उससे उदाहरण मैंने देखा। अब दोनों मित्रों का वहीं पर अच्छे अच्छे महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बहुत से लोग लाजपत नगर में छोटे छोटे मिले थे, जो बड़े हो गए थे तो वो सब कॉलोनी बन गई थी, महाराज इतने बड़े हो गए थे। एक दिन उनके एक मित्र ने कहा स्वामी जी भाई साहब के पास अकूत धन है। मैंने कहा तुम्हारे पास भी तो है, बोले है, लेकिन हमारा जरा फ्लक जैसे घटता बढ़ता है, इस समय मुझे करीब 25-30 लाख की जरूरत है, और आपकी बात मानते हैं तो आप कह दो। मैंने कहा आप लोग वहां से मित्र चले आ रहे हो, बोरियां एक साथ उठाई, कष्टों में रहे, और हम कल प्रकट हुए, बताए मैं तो मंत्र बोलता हूं तुम लोगों को ये पार्क में आकर के, बोले नहीं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो मैंने कहा भैया मैं तो नहीं कहूंगा, पैसे के मामले में मैं तो नहीं कहूंगा, बोले आप ही ढीठ सन्यासी। फिर हमको उन्होंने शुरू किया जो कह सकते हैं पंजाबी में, हम तो ज्यादा पंजाबी समझते नहीं थे, तो हम सोचे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं भाषा ना जानो तो बड़ा मजा आता है, तो किसी ने कहा आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं, मैंने कहा जो कह रहे हैं हमारी ये कह रहे हैं आप अच्छे मंत्र बोलते हो, यहाँ हमें बहुत प्रोफेशन का आपका असर हो रहा है। बोले नहीं ये क्या होता है स्यापा जाने क्या क्या वो पंजाबी फिर बोले। तो मैंने कहा भैया हमें ये लैंग्वेज नहीं आती है ज्यादा, हम उस भाषा को नहीं बोलेंगे कहीं और गलत हो जाए।